मैं एक बार फिर चाबियां भूल गया। तुम आ गए बेटा। अली बेटा जल्दी करो, कपड़े बदल लो, मोहित और उसके घर वाले आते ही होंगे। तुम भी जाके अपने कपड़े बदल लो, क्या अपने ससुरालियों के सामने इस हुलिये में आओगी? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और ये भी कह दिया कि तुम जल्दी शादी कर लो। सहर, तुम कहाँ थी? क्या तुम यमान के साथ थी? यमान और यूसुफ कहाँ हैं? चले गए। यमान यूसुफ को लेकर मुल्क से बाहर चला गया। मैं जाकर इंतजामात देखता हूं।
क्या तुम चलने के लिए तैयार हो भतीजे? क्या हम कहीं दूर जा रहे हैं? हम फिर वापस कब तक आएंगे? मैं कब अपनी खाला और जिया अंकल से मिलूंगा? तुम उन्हें लंबे अरसे तक नहीं देख पाओगे यूसुफ, अब हमें ऐसे ही रहना होगा, ठीक है? डील करते हो? बेटा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है सुल्ताना आपा, शुक्रिया। वैसे तो साथ आना चाहती थी वो, मगर खुशी के मारे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इस वजह से नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ मंगनी है, फिर शादी, जब तक वो ठीक हो जाएंगी। मेरी अम्मी ने तुम्हें सलाम कहा है किरास। माशाल्लाह हमारी बेटी बहुत ही प्यारी है, जाहिर सी बात है आपने जो ढूंढा है इसे। आप तो जानते हैं कि मैं आपको ऐसे आके रिश्ता मांगने का कभी न कहती। चलो बेटा शाबाश, उठो सबको कॉफी पेश करो। ये थोड़ा शर्मा रही है इसीलिए घबराई हुई है। शादी की बात से तो हर लड़की शर्माती है। कैसी कॉफी लेना पसंद करेंगे? मैं मीठी कॉफी पीता हूँ बेटी। मैं भी चीनी के साथ पीऊंगा, खुशी के मारे मेरा भी ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। अच्छा ये मसला मुझे भी है मोहित। छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना?
मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे मेरी जान, हमेशा साथ रहेंगे। क्या तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई? कैप्टन कह रहा है कि हम 10 मिनट में निकल जाएंगे। अंकल हम कहीं नहीं जाते हैं। खाला को बहुत याद करूंगा मैं। आप मुझे अपने घर वापस ले चलें, या फिर यतीम खाने, वो ज्यादा दूर भी नहीं है, खाला भी वहाँ आ सकती हैं। हम जा रहे हैं यूसुफ। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। शुक्रिया। आप लोग कॉफी पिए। ओह भाई, कॉफी तो बहुत ही मजे की है। अच्छी कॉफी बनाती है किराज, सब काम जानती है, खाना भी बहुत लजीज बनाती है। पहुंचने पर वो तुम्हें मिल जाएंगे। उन्होंने एक बोट भी तैयार रखी हुई है। सरिहान कॉल कर रहा है। वो कॉल का इंतजार कर रहा होगा। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा अभी कॉल करो उसे। पहुंचकर कॉल करना यूसुफ। एंजॉय करना।
अरे यार, तुमने बिल्कुल ठीक वक्त पर कॉल की है। ओह, मैं तो बोर हो गई थी। अरे इसकी क्या बताऊं तुम्हें, किरास का चैप्टर पूरी तरह जल्दी क्लोज होने वाला है। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था ना कि काम हो जाएगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? इसका नाम मरियम है। कॉफी तो पी ली, अब हम रिश्ते की बात करते हैं। मैं कुछ भी कहने से पहले उस्मान भाई को याद करना चाहता हूं, क्योंकि क्रास को उन्होंने ही आपके हवाले किया था। यकीनन वो इस रिश्ते से बहुत खुश होंगे। काश कि वो होते तो मैं उनसे ही ये रिश्ता मांगता। ओह, काश वो होते। मैं बात को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि मैं किस लिए आया हूं। मैं पहले क्रास से पूछना चाहता हूं, उस्मान भाई भी ऐसे ही करते तो। बेटा बताओ मुझे, क्या इस रिश्ते के लिए राजी हो तुम? कैसे शर्मा रही है, शुरू में ऐसे ही होता है। चलो बेटी, तुम जो कहना चाहती हो कहो। कहो बेटा, तुम इतना सोच कर रही हो? अच्छी लड़कियां ऐसी ही शर्माती है। मैं इसे नामंजूर करता हूं अंकल सुलेमान। क्या मतलब है तुम्हारा नामंजूर? मुझे एतराज है क्योंकि हमारे हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं आपा, क्या करें अब? वो वाकई जाने वाला है, पता नहीं उसके ज़हन पर क्या चीज़ सवार है। हो सकता है यूसुफ का मुस्तकबिल बनाने के लिए वो सब कुछ बेचकर वहीं सेट हो जाए। उसने जरा भी हमारे बारे में नहीं सोचा? ऐसा कैसे हो सकता है, उसे अपने भतीजे के आगे अपना भाई ज़िया तक नजर नहीं आया? ये सब कुछ उस शहर की वजह से है आपा। जिस दिन से वो इस घर में आई है हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। हम उसे घर से निकालने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उसे निकालें अब, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती मैं। अगर यमान से मेरी बात हो जाती तो मैं किसी भी तरह पता कर लेती और इसे फौरन घर के बाहर का रास्ता दिखाती। आ,
हुआ? सूटकेस लेके कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। यूसुफ मौजूद नहीं तो मेरा यहाँ रहने का क्या मकसद है? कहाँ जाओगी तुम शहर? रहने के लिए कोई जगह देखी है तुमने? तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मेरा जाना ही बेहतर होगा। एक आध दिन यहाँ रहूंगी, उसके बाद अंतिम चली जाऊंगी। जैसा तुम्हारी मर्जी। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुमने यूसुफ का बहुत ख्याल रखा, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। जिया भाई कहाँ है? उनसे भी खुदाफिस कह। जिया अपनी दवा लेके सो रहा है। उठाना ठीक नहीं होगा फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान में रहना, अपना ख्याल रखना सर। खुदा हाफिज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इससे जान छूट रही है हमारी। सहर बेटा, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया अदालत साहिबा, आप लोगों का एहसान रहेगा। तुम बहुत प्यारी लड़की हो बेटा, मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगा। कभी कभार कॉल कर लिया करना ताकि खैरियत पता चले। अपना ख्याल रखना। आप भी। जा रही हैं? यमान साहब, यूसुफ को लेने के लिए सोशल सर्विस वाले आए हैं।
यूसुफ करीम अली को ले जाने आए हैं। क्योंकि अंकल की वफात को 40 दिन भी नहीं गुजरे। हम अभी भी तकलीफ में हैं। इस सूरत हाल में किसी का रिश्ता मांगना या शादी करना या कुछ और मुनासिब नहीं। यह सब क्या है आपा? नहीं, अच्छा आपको किसने बताया? मैंने बता चुका हूं कि हम वापस आ रहे हैं। कस्टडी प्रोसेस मुकम्मल होने तक यूसुफ शेल्टर होम में रहेगा। जी बिल्कुल, आपको इन पेपर्स पर भी साइन करने होंगे। डरना नहीं अच्छा, ये जो अंकल और आंटी है। मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, अंकल ने मुझे सब बताया है ना अंकल? पता है खाला, मैं थोड़े दिन के लिए जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने अंकल के साथ अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट भी लिए हैं, उन्हें गिफ्ट पसंद आएगा ना? पसंद आएगा उन्हें मेरी जान, क्यों नहीं आएगा? शाबाश है तुम्हें मेरी जान। लेकिन खाला आप मेरे जाने से रोएंगी नहीं? ठीक है, रोऊंगी नहीं। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी खाला, मेरे वापस आने तक इंतजार करेंगी, ठीक है ना? परेशान नहीं होना, तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं यहां से कहीं भी नहीं जाऊंगी। जैसा मैंने तुमसे कहा, मैं अपने भतीजे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और बहुत जल्द हम फिर से साथ होंगे। किरास के बारे में कुछ पता चला है। इस लड़की का नाम किरास नहीं है, इसका असल नाम मरियम है और ये यहाँ भेस बदल के छुपी हुई है। क्या इसने भेस बदला हुआ था? मगर कैसे यार? इसके ना तो मस्सा है और ना ही ऐनक लगी हुई है। क्या वो ऐनक नहीं लगाती? खूबसूरत है क्या वो? बहुत। मैं ये कह रही हूँ कि इसने भेस बदला हुआ है और इसने हर एक को बेवकूफ बनाया है। मैं अभी बाहर जाके सबको बताती हूँ। ये लड़की यहाँ भेस बदल कर रह रही है और सबको बेवकूफ बना रही है। रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता अली जानता हो? उसके अंकल ने किरास को उसके हवाले किया था, उसे इसके बारे में जरूर पता होगा। अब फिर वो पुलिस में है, उसे इस बात का जरूर इल्म होगा। अपनी बेवकूफी की वजह से फिर कोई गलती मत कर देना।
ये मत भूलो कि इस घर में कितनी मुश्किल से दाखिल हुई हो दोबारा। चलो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कसर नहीं छोड़ी मुझे बेइज्जत करने की अली, वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। मेरी इज्जत दो कोड़ी की कर दी। सुलेमान भाई और उसके बच्चे अदना से यहाँ आए थे, तुमने ऐसी हरकत क्यों की अली? अब मैं इन लोगों का किस तरह सामना करूंगी? वो सिर्फ खाने पीने नहीं आए थे, तुमने बहुत बुरा किया अली। या अल्लाह पाक मेरी मदद करना। उनके सामने कह रहे थे कि मुझे मंजूर नहीं है, नहीं है। क्यों किया ऐसा तुमने, बताओ मुझे। मैं जा रही हूँ आंटी। ठीक है बेटी, खुदा हाफिज़। तुम मेरे सामने पैदा हुए हो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहती हूँ। तुम अपनी बात से मुकरने वाले इंसान नहीं हो, जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। चलो बताओ मुझे, क्या बात है बताओ। जरूरी कॉल है, बात करनी होगी मुझे। हाँ फिरात बोलो। शहर के मामले में काम डेवलपमेंट हुई इंस्पेक्टर, हमें इसी वक्त मेंशन जाना होगा। ठीक है मैं पहुंच रहा हूं, जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। ये सब क्या है आपा, क्या है ये? आखिर कब इस शहर से जान छूटेगी हमारी? बहुत कोशिश की उसे निकालने की। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती सुहार। क्या आप मजाक कर रही हैं मुझसे? वो खाला बेशक वापस ना जाए, मगर ये सोचो यमान आ गया है। अगर वो नहीं आता तो सोचो जरा तुम शादी किससे करती? अगर वो यहाँ नहीं होता तो पैसे कहाँ से आते, हमारे लाइफस्टाइल कैसे चलता? शहर से जान छुड़वाने के लिए मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगी, तुम फिक्र ना करो, बस सब्र से काम लो। शुक्रिया अदा करने आई। यूसुफ को वापस लाना तुम्हारे लिए मुश्किल था जानती हूं मैं, जब मैं जंगल में अकेले उठी तो इतना घबरा गई कि शायद ही पहले इतना घबराई होंगी।
दोबारा ये सब बर्दाश्त करना नहीं चाहती हूँ। यूसुफ के बगैर जिंदगी तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है अब मेरे लिए। खुदा के लिए दोबारा ऐसा इम्तिहान ना लेना। मैंने जो किया यूसुफ की खातिर किया, मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं था और तुम ये जानती हो। पुलिस वाले आए यमान, वो मिलना चाहते हैं तुमसे। इस बार बच्चे के अखबारों से जबरदस्ती रखने की रिपोर्ट है करीम अली। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है फिरात, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। तुम दखल मत दो। जहर इतना तुम्हारी बात करने का मौका नहीं, यमान गुस्सा होगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, जैसे पहले गए थे वैसे इस बार भी चले जाओ। खड़ी करके यहाँ आराम से बैठी हो। अली की इसमें कोई गलती नहीं, सब तुम्हारा किया धरा है। अली को बेवकूफ बना लिया ना, ये बात उसके जहन में तुमने डाली, वरना अली ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं करता। कसम खाती हूँ मैंने ऑफिसर से कुछ भी नहीं कहा, अगर वो राजी हो भी जाता तब भी मैं यही कहती कि मैं शादी नहीं करूंगी। सुल्ताना खाला, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप ऐसा नहीं कहें, मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। अच्छा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, इस बात के पीछे तुम ही हो, यकीन है मुझे, जानती हूँ तुम्हारी नजरें कहाँ हैं, अली पर नजर है तुम्हारी, सही कहा ना?
तुमने ये जो शातिर चालें चली है ना, तुम इन चालों में कैसे कामयाब होगी मैं भी देखती हूँ। समझ गई तुम?